बिसमिल्ल अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑयल एंड गैस इंफॉर्मेशन हिर षाकिब खान आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास जो लैंड रिग होता है इसमें जो मास्क यूज़ किया जाता है इसमें मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं और इन मेन कंपोनेंट्स के हम डिस्क्रिप्शन को भी देखेंगे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मास्ट मेन कंपोनेंट्स देर आर फॉलोइंग मेन कंपोनेंट्स इन द मास्ट द फर्स्ट वन इज़ मास्ट टैम द नेक्स्ट इज़ ए फ्रेम देन स्लिंग लाइन स्लिंग लाइन इक्वलाइजर लेडर काउंटर वेट मास्क बूम किट एंड शीप्स और सबसे एंड पे डेड लाइन एंकर स्पोर्ट अभी आपको जो मास्क के ये मेन कंपोनेंट्स बताए गए हैं इनकी डिस्क्रिप्शन को हम वन बाय वन देखते हैं सबसे पहले नंबर पे मास्क मास्टैम 148 फोटी एट 30 इंटू थर्टी इंचिस बीम लैंग मास स्टैम विद सिंगल पिन कनेक्शन आपके पास एक सिंगल पिन कनेक्शन वाला 148 फोर्टी एट 30 इंटू वाला बीम लैंग मास स्टेम होगा कंप्लीट विद राइजिंग शीप एंड शाफ्ट और इसके साथ राइजिंग शीप और शाफ्ट भी होती हैं सैंड लाइन शीप ब्रैकेट्स एंड एयर होल्ड शीप ब्रैकेट्स और साथ ही सैंड लाइन शीप ब्रैकेट्स और एयर होल्स शीप ब्रैकेट्स भी होंगी नेक्स्ट आ जाता है ए फ्रेम ए फ्रेम असम्बली कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ फ्रंट ए फ्रेम लेग्स विध राइजिंग शीप एंड शॉफ्ट आपके पास बेसिकली जो ए फ्रेम असम्बली होती है इसमें एक पेयर होता है ए फ्रेम लेग्स का जिसके साथ राइजिंग शीप एंड शॉफ्ट होती है एंड आई लेग स्प्रेडर विध फ्लोटिंग फास्ट लाइन ब्रेक ओवर शीप और साथ ही ए लेग स्प्रेडर होगा जिसके साथ फ्लोटिंग फास्ट लाइन ब्रेक ओवर शीप होगी रूफ आर वन एंड हाफ इंचज फाइल लाइन जो कि वन एंड हाफ इंचेस वाइल लेंथ जॉब के लिए इस्तेमाल की जाती है नेक्स्ट इज स्लिंग लाइन देर आर टू पीस प्रूफ टेस्टेड स्लिंग लाइन एंड स्लिंग लाइन ब्रैकेट आपके पास जो टू पीस प्रूफ टेस्टेड स्लिंग लाइन होगी और इसके साथ स्लिंग लाइन ब्रैकेट्स भी होंगी देन ए स्लिंग लाइन इक्वलाइजर There are one sling line equalizer assembly which include bracket for hanging equalizer in the back of the mast. आपके पास एक स्लिंग लाइन इक्वलाइजर असेंबली होगी जिसमें ब्रैकेट भी शामिल होती हैं। बेसिकली ये जो इक्वलाइजर होता है मास्क की बैक साइड पे उसको हैंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Then a ladder There are full height ladder complying with HSC standards. There are also a safety climb rail and two belts. आपके पास कंप्लीट मास्क के साथ एक लेडर होगी जिसपे फुल एच स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट स्टैंडर्ड होंगे और साथ ही सेफ्टी क्लाइम रेल और टू बेल्ट होंगी आपके पास उसके बाद आ जाता है काउंटर वेट्स देर आर टू काउंटर वेट्स फॉर द टोंग एंड स्पिनिंग रेंज कंप्लीट विद बकेट्स आपके पास दो काउंटर वेट होते हैं जो कि टोंग और स्पिनिंग रेंज के लिए यूज़ किए जाते हैं और इसके साथ बकेट्स भी होती हैं नेक्स्ट है मास बूम किट्स देर आर ड्यूल फाइव थाउजेंड पाउंडी मास्क विच आर ट्वेंटी फीट लॉन्ग विद अपर एंड लोअर ब्रैकेट्स आपके पास एक पाँच हजार पाउंड कैपेसिटी वाली बूम किट होगी जो कि ट्वेंटी फीट लंबी होती है और इसके ऊपर और नीचे ब्रैकेट्स होती हैं देर आर क्लैंस फॉर अटैचिंग टू द मास्क रेयर लेग्स ऑन द डिलर एंड ऑफ डिलर साइड और डिलर और ऑफ डिलर साइड पर जो मास रियर लेग्स होते हैं इनको अटैच करने के लिए इसके साथ लैंप्स होंगे देर आर एट इंचज शीव ग्रू फॉर फाइव बाई एट इंचिस वायर लाइन जॉब और इसके साथ एट इंचिस वाली शीव होगी जो कि फाइव बाई एट इंचिस की जो वायर लाइन जॉब होती है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है नेक्स्ट आ गया शीवस देर आर वन फोटी इंचज एयर हॉस शीव विद स्वाइवल शेकल एंड ग्रूफ आर फाइव बाई एट इंचज वायल लाइन विद टेपर रोलर बेरिंग आपके पास एक फोर्टीन इंचज़ वाली एयर हॉस्ट शीव होगी जिसका स्वाइवल शेकल भी होता है और ये जो फाइव बाई एट की वायल लाइन जॉब होती है उसके लिए यूज़ की जाती है देर आर वन ट्वेंटी इंचज़ सैंड लाइन शीव विथ माउंटेन ऑन टेपर रोलर बेरिंग एंड ग्रूफ आर नाइन बाई सिक्सटीन इंचज वाइल लाइन और साथ ही आपके पास एक ट्वेंटी इंचज वाली सैंड लाइन शीव होगी जो कि टेपर रोलिंग बेरिंग ऊपर माउंटेड होती है और ये जो नाइन बाई सिक्सटीन की वाइल लाइन जॉब होगी उसके लिए इस्तेमाल होगी देन आ गया डेड लाइन एंकर स्पोर्ट इट्स स्पोर्ट द लेग माउंटेड डेड लाइन एंकर बेसिकली आपके पास जो डेड लाइन एंकर होता है उसको सपोर्ट करने के लिए इसको, इसको इस्तेमाल किया जाता है माउंटेड टू द ऑफ डीलर साइड लाइक अबॉफ द ड्रिल फ्लोर और ये रिंग फ्लोर से ऊपर ऑफ़ डीलर वाली साइड पे फिक्स होगा आई होप कि इस वीडियो से लैंड ड्रिलिंग रिंग पे जो मास्क यूज़ किया जाता है उसमें कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी और अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हम ट्राई करेंगे जल्द से जल्द उसका आंसर दिया जाए वीडियो देखने का शुक्रिया अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे फेसबुक पेज ऑल इन गैस इन्फॉर्मेशन को भी लाइक कर दें हमारे फेसबुक पेज ऑल इन गैस इन्फॉर्मेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन गैस इन्फॉमेसन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि जैसे इस चैनल पर नई वीडियोज़ अपलोड हों वो आपकी नोटिफिकेशन में आ जाएँ थैंक यू अल्लाह हाफिज़